हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचना राया तला वाराणसी से मैं मुन्ना सर। स्टूडेंट, आपको पिछले वीडियो में कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन सब का अध्ययन कराया गया था। इसी जेनेटिक चैप्टर में, जो आपका चैप्टर कक्षा 12 जीव विज्ञान का जेनेटिक है, उसी में अगला टॉपिक आपका है कलर ब्लाइंडनेस। तो स्टूडेंट, आप देखिए कलर ब्लाइंडनेस कैसे होता है या क्या इसके बारे में है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, कलर ब्लाइंडनेस हेडिंग है वर्णांधता, और ऊपर आपको हेडिंग दिया गया है स्टूडेंट, यक्स सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, अर्थात यक्स सेक्स लिंग, लिंक्ड मतलब सहलग्न, सेक्स मतलब लिंग, यक्स लिंग सहलग्न वंशागति। अर्थात स्टूडेंट, यह एक डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस, जिसकी वंशागति अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना किसके द्वारा होता है? यक्स सेक्स गुणसूत्र द्वारा। स्टूडेंट, फिर आप ध्यान से सुने, हमारा टॉपिक आज का है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक रोग है। कैसा रोग है स्टूडेंट? जेनेटिकल रोग है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, आनुवंशिक रोग है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये बनता है स्टूडेंट कि ये कैसे जाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे जाता है। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि महिलाओं में यक्स यक्स गुणसूत्र होता है और पुरुषों में यक्स वाई, जो सेक्स गुणसूत्र हैं। ये स्टूडेंट आपके फीमेल में है और ये आपका क्या है, मेल में है। तो आप देख रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ये कलर ब्लाइंडनेस है, यह रोग या यह लक्षण जा रहा है, तो किस गुणसूत्र से जा रहा है? तो आंसर आप देंगे स्टूडेंट, यक्स सेक्स गुणसूत्र से। तो महिलाओं में दोनों यक्स यक्स हैं और पुरुष में एक ही यक्स है, तो इसी यक्स द्वारा जा रहा है। अब स्टूडेंट ध्यान दें, पुरुष में वाई गुणसूत्र भी है, तो वाई गुणसूत्र द्वारा यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाता है, अर्थात कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति वाई गुणसूत्र द्वारा नहीं होती है, सिर्फ किस गुणसूत्र द्वारा होती है? यक्स गुणसूत्र द्वारा। तो इसीलिए इसको स्टूडेंट लिखा गया है यक्स सेक्स्ड लिंक्ड इनहेरिटेंस, अर्थात यक्स लिंग सहलग्न वंशागति। ऐसी वंशागति, ऐसा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना जो यक्स लिंग गुणसूत्र द्वारा जाता है। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस है क्या। तो स्टूडेंट, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवंशिक रोग है, जिसकी वंशागति यक्स सेक्स गुणसूत्र द्वारा होती है, जैसा आपको बताया गया। इस रोग में स्टूडेंट व्यक्ति लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा, हम बता रहे हैं आपको कि इस रोग में व्यक्ति लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। तो लाल और हरा रंग उस व्यक्ति को कैसा दिखता है? तो स्टूडेंट, ये तो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कैसा दिखता है, लेकिन संभवतः हो सकता है वो टोटल ब्लैक दिखता हो या टोटल वाइट दिखता हो, ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा स्टूडेंट कि कैसा दिखता है। तो ध्यान से सुने, कहीं आपका अगर रेड कलर है, कहीं ग्रीन कलर है, या कहीं लाल है, कहीं हरा है, तो हम पहचान ही नहीं कर पाएंगे कि ये हरा रंग है या ये लाल रंग है। तो स्टूडेंट, ऐसे रोग को अगर कोई व्यक्ति है जो लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है, तो उसे आप कहेंगे कि यह कलर ब्लाइंडनेस रोग है। आगे स्टूडेंट, यह रोग यक्स गुणसूत्र पर स्थित कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण होता है। स्टूडेंट, जैसा आपको बताया गया कि यक्स गुणसूत्र द्वारा जा रहा है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, तो यक्स गुणसूत्र में उत्परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उसका जीन ही चेंज हो जाता है, तब कह सकते हैं यह रोग उत्पन्न होता है। यह रोग लगभग 8% पुरुषों में तथा 0.4% महिलाओं में पाया जाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, पुरुष में एक ही यक्स गुणसूत्र है। यहाँ पर आप देखें, पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या सिर्फ एक है, इसलिए इसको 8 बताया जा रहा है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या बट गया 4-4, तीसरे परसेंटेज में 0.4% बताया जा रहा है। तो यह रोग लगभग कहा जा रहा है स्टूडेंट, पुरुषों में अगर देखें तो 8% है, जबकि महिलाओं में 0.4% है। इस रोग को प्रोटॉन डिफेक्ट या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं।
प्रोटॉन डिफेक्ट स्टूडेंट जानते हैं प्रोटॉन दोष। प्रोटॉन दोष आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कहीं से कोई एच प्लस या इधर उधर गायब हो जाता है तो उसे प्रोटॉन डिफेक्ट कहते हैं। सॉलिड स्टेट कक्षा 12 में है आपका। किसी रिक्त कह सकते हैं कोई संरचना बनी है धनायन ऋणायन है, अगर वहाँ से कोई धनायन या ऋणायन कह सकते हैं स्पेशली गायब हो जाए तो स्पेशली धनायन जिसे प्रोटॉन बोला जाता है एच प्लस जैसे, तो वो अगर गायब हो जाता है तो प्रोटॉन डिफेक्ट बोला जाता है, तो वहाँ से वर्ड लिया गया। या इसे डाल्टोनिज्म भी कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस को। अब स्टूडेंट देखिए, कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति को देखने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप यहाँ आप देखेंगे कि लिखा गया है यक्स यक्स। स्टूडेंट अगर कहीं यक्स यक्स वर्ड मिल रहा है रेखाचित्र में तो ये सामान्य महिला है। फिर स्टूडेंट कह रहे हैं अगर यक्स यक्स है और किसी एक यक्स पर चाहे इस पर चाहे इस पर, ये सी लिख दिया गया है अर्थात एक कलर ब्लाइंडनेस का जीन है या कलर ब्लाइंडनेस के जीन को प्रदर्शित कर रहा है। ये पूरी संरचना आपको बता रही है कि गुणसूत्रों की संख्या दो है यक्स यक्स और एक गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन उपस्थित है। और स्टूडेंट अगर ऐसा कंडीशन होता है तो वह स्त्री वाहक या कैरियर कहलाती है। अगर स्टूडेंट यक्स यक्स स्त्री है महिला है, बोल रहे हैं कि दोनों गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन उपस्थित हो सी सी, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से, तो ऐसे हम बोलेंगे स्टूडेंट पेशेंट अर्थात रोगी। स्टूडेंट रोगी है अगर महिला, ध्यान से सुने, महिला महिला के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं यक्स यक्स, या स्टूडेंट कह सकते हैं महिला में गुणसूत्रों की संख्या जो है जो सेक्स गुणसूत्र हैं वो यक्स यक्स प्रकार की है और दोनों यक्स यक्स गुणसूत्र पर अगर कलर ब्लाइंडनेस के जीन उपस्थित हैं तो ऐसी महिला को आप रोगी कहेंगे पेशेंट। ठीक स्टूडेंट, तो इस तरह से आप स्टूडेंट कह सकते हैं, ये लाइन के ऊपर हम बता रहे हैं फीमेल है, अगर यक्स यक्स इस पर किसी भी यक्स के ऊपर कोई जीन नहीं है कलर ब्लाइंडनेस का तो ऐसी महिला सामान्य है अर्थात वह लाल और हरे रंग का पहचान कर सकती है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और यदि स्टूडेंट दूसरा केस आता है यक्स यक्स और किसी एक यक्स के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन उपस्थित है तो स्टूडेंट इस महिला को आप कैरियर या वाहक कहेंगे। यह महिला भी स्टूडेंट लाल और हरे रंग का पहचान कर सकती है, किंतु ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यह महिला लाल और हरे रंग का पहचान कर सकती है किंतु इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस का जीन छिपा हुआ है अर्थात एक कैरियर है वाहक है, इसमें वह रोग अपना असर या लक्षण दिखा नहीं रहा है लेकिन उस रोग को ये ढो रही है। लेकिन यहीं स्टूडेंट थर्ड केस में दोनों यक्स यक्स गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंडनेस के जीन उपस्थित हो जाए तो ये महिला टोटल रोगी हो जाएगी, अब यह लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाएगी स्टूडेंट। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। दूसरी कैटेगरी पुरुषों के लिए है स्टूडेंट, जिसे हम यक्स वाई, यहाँ आप यक्स और कैपिटल वाई, यहाँ यक्स ये नॉर्मल जीन कैपिटल वाई ये सब छोटा नहीं लिखा जाता स्टूडेंट, तो ये गलत है। फिलहाल देखिए यहाँ पर आपको लिखा जा रहा है कि यक्स वाई, हमने पहले ही बता रखा है स्टूडेंट कि यह कलर ब्लाइंडनेस ऐसा रोग है जिसकी वंशागति वाई गुणसूत्र द्वारा नहीं होती, इसका मतलब यक्स। अगर पुरुष यक्स के ऊपर कुछ नहीं है अर्थात कोई जीन नहीं है कलर ब्लाइंडनेस का स्टूडेंट, तो आप कहेंगे कि ये पुरुष सामान्य पुरुष है अर्थात ये लाल और हरे रंग का पहचान कर सकता है। एक जीन स्टूडेंट उपस्थित है यक्स पर, यक्स एक ही है, पुरुषों में यक्स गुणसूत्र की संख्या एक है और उसी पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन उपस्थित है, तो स्टूडेंट यह पुरुष सीधे रोगी हो जाता है पेशेंट। तो स्टूडेंट ध्यान दें, आपने देखा है कि महिलाओं में अगर किसी एक यक्स पर गुणसूत्र पर उपस्थित है
तो वह महिला वाहक है, लेकिन यहाँ एक ही अक्ष है उस पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन उपस्थित है, तो ये सीधे क्या होगी, रोगी। अर्थात स्टूडेंट, यहाँ पुरुषों के लिए कैरियर की संभावना बिल्कुल नहीं है, या कह सकते हैं स्टूडेंट इस रोग में या ऐसे इस प्रकार के रोगों में पुरुष जो है वो वाहक नहीं होता, कैरियर नहीं होता। रोग को ढोने वाली या कैरियर या वाहक स्त्रियां होती हैं, पुरुष नहीं, और स्त्रियों से ही यह रोग फिर फैलने लगता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। पुरुष सीधे रोगी हो सकता है, सीधे सामान्य हो सकता है, लेकिन वाहक नहीं हो सकता। जबकि महिला स्टूडेंट यहाँ बताया गया है सामान्य भी है, रोगी भी है और वाहक। वाहक का मतलब उसे रोग का कोई लक्षण नहीं है, वो लाल और हरे रंग का पहचान करेगी, लेकिन अपने अंदर एक कलर ब्लाइंडनेस जीन को क्या की है, छिपा कर रखी है। तो ये स्टूडेंट आपका इस तरह से कह सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, और इस पर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। बाकी जो जानकारी थी इस वीडियो में दी गई, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको इतना ही, थैंक यू।